सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर वीकली लाइव करंट अफेयर्स क्विज शो, जहां पर हम इसी तरीके से हर सैटरडे आपके साथ लाइव जुड़ते हैं। पिछले पूरे हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स होते हैं उसमें से टॉप 15 क्वेश्चंस को क्विज की फॉर्म में लेके आते हैं, ताकि ये भी आपको एक आइडिया लगता रहे कि कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में फ्रेम होकर पूछे जा सकते हैं। चाहे देखिए किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूँ SSC, बैंकिंग, रेलवे, जो बाकी के भी हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, तो जिनमें जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है उसके अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको उसमें से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर में से देखने को मिलेंगे, और वो भी आप देखेंगे 6 से 9 महीने तक के पुराने करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करा करें डेली हमारा ये 10 से 12 मिनट का ही सेशन होता है, इसे आप अटेंड करने की, ठीक है, कोशिश रोज करा करें ताकि आप अपडेटेड भी रहें। और एक साथ ओबियस सी बात है, देखिए आप पेपर से जस्ट 2-3 दिन पहले तो इतने सारे करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ सकते, अगर आप डेली अपडेटेड रहेंगे, रोज गो थ्रू करेंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपको क्या करना है, इन द एंड मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट रहे, ठीक है। तो आपको मेरे को इन द एंड बताना है कमेंट करके, तो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट वन टू रोल आउट लो कॉस्ट ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका COVID-19 वैक्सीन। तो इनमें से किस देश ने हाल ही में रोल आउट करी है लो कॉस्ट ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका COVID-19 वैक्सीन, क्या वो USA है, ब्रिटेन है, इंडिया है या फ्रांस है, ठीक है। तो पहले तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने भी जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जिसे इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर जो है इंडिया भी इन वैक्सीन को यूज करेगा, लेकिन सबसे पहले रोल आउट करने वाली अगर हम कंट्री की बात करें तो वो है बी ऑप्शन, यानी ब्रिटेन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। जैसे मैंने आपको बताया इंडिया ने भी जो है कि जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इनके साथ टाइप किया हुआ था ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ, और इंडिया में भी बहुत जल्द इनकी वैक्सीन अवेलेबल होंगी, खासकर जो हमारे अभी आपको पता है कल एक ड्राई रन हुआ है, ठीक है। ड्राई रन एक तरीके से हम कह सकते हैं मॉक, कि जैसे आप किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसके मॉक अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसा क्वेश्चन आएगा, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ठीक है ना। तो वैसे ही इनकी भी पहले 2 बार ड्राई रन कंडक्ट किया गया, ताकि एक आइडिया रहे कि पूरा प्रोसेस कैसे कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन होगा जो जिन जिनको वैक्सीन लगनी है उनका, फिर उसके बाद उनको किस तरीके से किस सेंटर पे बुलाया जाएगा, उनका उनका कोऑर्डिनेशन उनके साथ करना, ठीक है ना। तो सारा प्रोसेस इसके अंदर रहेगा। सो तो कल एक ड्राई रन हुआ था और एक हुआ था 2 जनवरी को, तब तक 2 हो चुके हैं, और अब एक्चुअल में रोल आउट की जाएंगी इन वैक्सीन को जो हमारे सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए। बट सबसे पहले इसे अप्रूव किसने किया है, तो वो है ब्रिटेन, और उसके बाद देखिए उन्होंने आपको पता है लॉकडाउन भी लगाया है पूरे ब्रिटेन के अंदर, खासकर जो नया वेरियंट आया सामने कोरोना वायरस का, ये बात ठीक है कि ये वैक्सीन उन पे भी काम करेंगी, उन नए वेरियंट पे भी, बट स्टिल ये है कि क्योंकि इनको बहुत टाइम लग जाएगा सब तक सभी पॉपुलेशन तक इनको डिलीवर करने में, तो इसलिए जो है ये लगाया गया। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच स्टेट विल होस्ट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होस्ट करने जा रहा है, क्या वो दिल्ली है, गोवा है, महाराष्ट्र है या केरला है। तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा, ठीक है। तो गोवा जो है स्टेट है वो होस्ट करेगा 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, क्लियर है, तो आप इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है वो गोवा होस्ट करने जा रहा है। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेली डे सेलिब्रेटेड। तो हम वर्ल्ड ब्रेली डे इनमें से किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो 4 ऑप्शंस है, January 4th, 5th, 6th और 8th। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी January 4th को जो है हम हर साल ये वर्ल्ड ब्रेली डे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लें। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंडिया साइंड अ $231 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 120 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन असम स्टेट विद विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो हाल ही में इंडिया ने किस इनमें से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जो है ये टाइप किया है, या एक तरीके से लोन एग्रीमेंट साइन किया है, खासकर 120 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट असम में बनाने के लिए। तो 4 ऑप्शन है, वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB या AIIB। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत ने ये टाइप किया है असम के अंदर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5th के की, तो अलेक्जेंडर एलिस हैज बीन अपॉइंटेड एज व्हिच नेशंस नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू इंडिया। तो अलेक्जेंडर एलिस को हाल ही में किस देश ने अपॉइंट किया है एज हाई कमिश्नर टू इंडिया, जो कि एक तरीके से जो एम्बेसी होते हैं वहां के जो सबसे हेड होते हैं, ठीक है ना, हाई कमिश्नर।
तो किस देश ने इन्हें अपॉइंट किया है? क्या वो जर्मनी है, इटली है, यूएसए है या ब्रिटेन है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यानी ब्रिटेन ने इन्हें अपॉइंट किया है एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू इंडिया। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। आगे अगर बात करें, देखिए मैंने आपको बताया भी था कि 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है, एक तो उसे होस्ट कौन सी स्टेट करने जा रही है, गोवा। लेकिन जो ज्यूरी होती है उसके हेड किने बनाए गए इनमें से इंटरनेशनल ज्यूरी के, क्या वो प्रियदर्शन है, पेब्लो सीजर है, रूबियत हुसैन है या अबू बकर शौकी है? तो चार ऑप्शन है, लेकिन इसे हेड कौन करेगा, चेयर कौन करेगा इस इंटरनेशनल ज्यूरी को ऑफ द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है पी ऑप्शन, यानी पेब्लो सीजर। ये अर्जेंटीना के है फिल्म मेकर। और लेकिन ये देखिए, इन चारों को ही उस पैनल में रखा गया है उस ज्यूरी के, लेकिन इसे हेड कौन करेंगे, लीड कौन करेंगे, पेब्लो सीजर। तो इसे आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7, इसके बारे में आपको बताया भी था कि जो यूनियन बजट 2021 है वो इनमें से किस डेट को प्रेजेंट किया जाएगा? तो आपको पता है पिछले साल, और अब तो देखिए जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, फरवरी 1 को ये प्रेजेंट किया जाता है यूनियन बजट। इसका करेक्ट आंसर है फरवरी 1, एमिड कोविड-19 पेंडेमिक, बट स्टिल जो है सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस का ध्यान में रखते हुए इसको प्रेजेंट किया जाएगा 1 फरवरी को यूनियन बजट को। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8, विच नेशन हैज गेन्ड द टॉप स्पॉट इन द आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स? तो किस देश ने हाल ही में टॉप स्पॉट को गेन किया है रैंकिंग के अंदर, पहले नंबर पे, इनमें से कौन सा देश है आईसीसी की? क्या वो इंडिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है या साउथ अफ्रीका है? तो हाँ, देखिए इन चारों देशों ने हाल ही में अभी टेस्ट सीरीज खेली है। इंडिया का तो देखिए आज भी मैच चल भी रहा है, आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड ने इसके टॉप स्पॉट को एक्वायर किया है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अंदर पहले नंबर पे, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, विच नेशन इज वर्किंग टू डेवलप फर्स्ट वुडन सैटेलाइट टू रिड्यूस स्पेस डेब्रिस? जो स्पेस के अंदर जंक होता है, डेब्रिस होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसे कम करने के लिए इनमें से किस देश ने कहा है कि वो वुडन सैटेलाइट्स पर काम कर रहा है, उनके डेवलपमेंट पर? क्या वो यूएसए है, इंडिया है, रशिया या जापान है? तो आपको पता है चारों ही कंट्री इसकी जो स्पेस एजेंसी है वो काफी एडवांस्ड है आज के टाइम पे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी रशिया। तो रशिया जो है काम कर रहा है वुडन सैटेलाइट्स के मैनुफैक्चरिंग पर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इनिशिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट बाय 2023? तो 2023 तक किस स्टेट, कौन सा स्टेट इनमें से जो है वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, यानी नीचे रिवर होगी, नीचे स्ट्रीम होगी, उसके ऊपर ये सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे वुडन ब्लॉक्स के ऊपर, तो कौन सा स्टेट है इनमें से? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी मध्य प्रदेश में जो है 2023 तक फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट पर जो है वो काम कर लिया जाएगा। मैंने आपको बताया कि भारत भी लगातार अब अपने सोलर एनर्जी पर काफी ज्यादा जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं फंडिंग लगा रहा है, ठीक है, उसे आगे बढ़ाने के लिए। आप देखेंगे सोलर पावर प्लांट्स जगह जगह पे जो है सेटअप किए जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर, तो उसको इंडिया में काफी ज्यादा फंडिंग मिल रही है, क्लियर है। और एक तरीके से बोलते हैं क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ऑब्वियसली बात हमें इसे प्रमोट भी करना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च किसान कल्याण मिशन? इसके बारे में देखिए मैंने आपको साथ डिस्कस करा हुआ है। तो किसान कल्याण मिशन इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉक्स के अंदर, सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे एक तरीके से वेबिनार्स कंडक्ट किए जाएंगे, इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और जहाँ जो एग्रीकल्चर के फील्ड के एक्सपर्ट्स है वो जगह जगह जो है, एक तो किस तरीके से हम आज के टाइम पे फार्मिंग करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग खासकर, और इसके अलावा किस तरीके से हम अपने प्रोड्यूस को बढ़ा सकते हैं, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो भी जो है फार्मर्स तक उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और बेसिकली मेन नेम इसका यह है कि फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाए इस मिशन का, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12, तो सेंटर ने अभी हाल ही में एक कमेटी फॉर्म की है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड ऑफ विच रीजन? तो किस रीजन के वहाँ लोगों की लैंग्वेज, कल्चर और लैंड को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए कमेटी बनाई गई है? क्या वो जेएनके है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार आईलैंड्स है? तो आपको चारों ही एट प्रेजेंट यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज, लेकिन इसका करेक्ट जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी लद्दाख। तो लद्दाख रीजन के लैंग्वेज, कल्चर को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये कमेटी फॉर्म की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेनाउंड फैशन डिजाइनर, इनका नाम है सत्या पॉल, इनकी हाल ही में 6 जनवरी को डेथ हुई है। आपको ये बताने कि ही वाज नोन फॉर गिविंग अ मॉडर्न लुक टू विच ट्रेडिशनल आउटफिट? तो किस आउटफिट के मॉडर्न लुक
को बनाने के लिए, को डिजाइन करने के लिए इनको श्रेय दिया जाता है, क्या वो साड़ी है, सूट है, लहंगा है या धोती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी साड़ी जो पहले हम ट्रेडिशनली वुमेन्स पहना करती थी, तो उनके मॉडर्न लुक के लिए इनको श्रेय दिया जाता है। ये रेनाउन फैशन डिजाइनर थे, सत्या पॉल इनका नाम था, तो इनका नाम जरूर नोट डाउन कर लें, न्यूज में भी काफी आया था। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, जो बाइडन को कितने इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं, जो अभी हाल ही में कांग्रेस ने जो उनकी विक्ट्री को सर्टिफाई किया है 2020 के अंदर। आपको पता है 20 जनवरी को वो शपथ भी लेंगे प्रेसिडेंट की, और वो 46 प्रेसिडेंट होंगे यूनाइटेड स्टेट्स के। तो आपको देखो कितने इलेक्टोरल वोट्स उन्हें मिले हैं इन चार ऑप्शन में से, 280, 290, 298 या 306। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए डी ऑप्शन है, 306 उन्हें इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं जो बाइडन को, और वो अब अगले राष्ट्रपति होंगे, 46 प्रेसिडेंट, 20 जनवरी को, जैसे मैंने आपको बताया शपथ ग्रहण समारोह होना है। और जो कुछ भी देखिए खासकर कैपिटल हिल पे हुआ, वो आप सभी ने काफी न्यूज में देखा होगा, जो प्रो ट्रम्प सपोर्टर्स ने जिस तरीके से वहां पे एक तरीके से वैंडलाइज किया, ये सब चीज आपने देखी होंगी। बट स्टिल जो बाइडेन की विक्ट्री को सर्टिफाई कर दिया गया है, और वो 20 जनवरी को अगले 46 प्रेजेंट होंगे यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्हें 306 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं। जो मेजोरिटी मार्क है वो 270 का है, तो 270 से काफी ज्यादा है 306। और आखिरी क्वेश्चन है, जस्टिस हीमा कोहली हैज बीन स्वोर्न इन एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। जस्टिस हीमा कोहली को ने हाल ही में शपथ ली है एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट, क्या दिल्ली है, बॉम्बे है, तेलंगाना है या अलाहाबाद है। क्योंकि देखिए ये तो बहुत पुराने हाई कोर्ट, अगर आप थोड़ा सा अगर खुद से सोचें भी, तो दिल्ली, बॉम्बे और अलाहाबाद जो है काफी पुराने हाई कोर्ट्स हैं, इन्हें सेटअप किया हो तो काफी टाइम हो गया, तो इसलिए इसमें तो आप मान के चलें कि वुमेन चीफ जस्टिस रही होंगी पहले भी। लेकिन तेलंगाना आपको पता है आंध्र प्रदेश स्टेट से अलग हुआ है कुछ टाइम पहले ही है, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुई है, जस्टिस हीमा कोहली। ये थोड़ा सा थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज भी आप यूज करके भी इसका आंसर करेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो जस्टिस हीमा कोहली इसका करेक्ट आंसर है, पहली वुमेन चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट की, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस पिछले वीक से, और कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर कोई आपके कितने आंसर्स करेक्ट रहे ये भी आपको मेरे को बताना है, और अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।